शिक्षक और कोचिंग क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 10th क्लास में प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, क्योंकि प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन पिछली बार जो वीडियो है इस पर पोस्ट कर दिया था कंप्लीट हो गया था, और इसका हमें क्वेश्चन नंबर 3 प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि प्रश्नावली 3.2 न्यू एडिशन 2023-24 में है, प्रतिस्थापन विधि से हल निकालना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बहुत सारे पार्ट है। अब पहला पार्ट है दो संख्याओं का अंतर 26, दो संख्या का अंतर कितना है 26, और एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है 3 गुनी। ठीक है, मैं मान लेता हूं, माना एक संख्या क्या है x, माना एक संख्या बराबर x क्या है x, तथा दूसरी संख्या बराबर क्या है y। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न जैसे बोल रहा है ना वैसा आपको चलना है, अपनी मर्जी से नहीं चलना। अब प्रश्न अनुसार प्रश्न क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब पहली संख्या में से मैं दूसरी संख्या घटाऊंगा तो आंसर कितना आएगा 26, मतलब x माइनस वाई बराबर 26 समीकरण नंबर 1 पहला समीकरण आ गया। इसके बाद में बोला है एक संख्या है दूसरी संख्या की कितनी गुनी है 3 गुनी, तो एक संख्या क्या है x, दूसरी संख्या क्या है y, इसकी कितना गुणा है 3 गुनी, x बराबर कितना आ गया 3 वाला समीकरण नंबर। ठीक है कंप्लीट, x बराबर कितना है 3 भाई। अब x का मान किस में रखेंगे, 2 से मान लेंगे ना, और सीधा तो निकालेंगे जरूरत नहीं, सीधा मान 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो x की जगह क्या रखेंगे बताओ 3y, 3y माइनस y बराबर कितना आ गया 26। अब 3y में से सीधा है 1y घटाना, तो 3y में से 1y कितना बचेगा 2y बराबर कितना आ गया 26। अब मेरे को y का मान निकालना, अरे y का मान निकालना किसका भाग देना पड़ेगा 2 का, तो y बराबर कितना आ जाएगा 26 बटा 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 त्या 6, तो y का मान कितना आ गया देखो y बराबर कितना आ गया 13, कितना आ गया 13। अब मेरे पास y का मान आ गया, अब y का मान किस में रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, x का मान निकाल देंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब y का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो x की जगह, तो x माइनस y की जगह 13 बराबर कितना आ जाएगा 26। ठीक है, माइनस 13 उठा के उधर फेंक दो तो x बराबर कितना आएगा 26 प्लस 13, x बराबर 26 में 13 जोड़े 39, x का मान अपने पास कितना आ गया 39, मतलब एक संख्या 39 होगी और दूसरी संख्या क्या होगी 13, एक संख्या 39, एक संख्या 39 व दूसरी संख्या कितने होगी 13 होगी, एक संख्या 39 और दूसरी संख्या 13। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला क्वेश्चन है अपना क्या हो गया है कंप्लीट हो गया। कौन सी विधि है ये, प्रतिस्थापन विधि। अब पहला क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद में अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन तो बहुत ही मजेदार है, कैसा है अब देखते हैं। प्रतिस्थापन विधि से हल, मतलब एक से मान निकालना है दूसरे में रखना है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, आपके पास किताब सभी के पास है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन जो बोल रहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। जो बड़ा कोण है
छोटा कोण से 18 डिग्री ज्यादा है, ठीक है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब देखो, पहली बात आपको पता होना चाहिए संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है और पूरक कोणों का योग होता है 90 डिग्री, ये आपको बात पता होनी चाहिए। तो माना छोटा कोण x मान लो या y मान लो, ठीक है, तो बड़ा कोण है छोटे कोण से कितना डिग्री है, 18 डिग्री अधिक है, तो छोटे को x मान लो, जो आप पीछे मान लो, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं, या बड़े को x मान लो, छोटे को क्या मान लो, y। तो माना बड़ा कोण बराबर कितना है x डिग्री या x मान लो, तथा छोटा कोण y डिग्री है, x डिग्री और y डिग्री, ठीक है, x और y को तो चल जाएगा। अब आ गए प्रश्नानुसार, एक समीकरण क्या बन गई, दोनों कोणों का योग कितना होता है, संपूर्ण कोणों में दोनों कोणों का कितना होता है 180 डिग्री, मतलब x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 180 डिग्री, ठीक है, समीकरण नंबर क्या आ गया, एक। इसके बाद में आपको बोला है जो बड़ा कोण है, बड़ा कोण कितना है x डिग्री, छोटा कोण कितना है y डिग्री, इससे कितना अधिक है 18 डिग्री अधिक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 18 डिग्री, ठीक है, ये समीकरण नंबर कितना आ गया बताओ, दो, छोटा कोण सॉरी बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक, बड़ा कोण x, तो x है y डिग्री से 18 डिग्री अधिक, मतलब छोटे से 18 डिग्री ज्यादा, ज्यादा इसका हम प्लस कर रहे हैं और कम होता है क्या करते हैं माइनस। अब x का मान निकला और सीधा मान एक बार रखो, तो x डिग्री का मान समीकरण एक में रखने पर, यदि आप x भी लिखोगे तो भी सही है, x डिग्री लिखो या x को, दोनों वैलिड है। अब x डिग्री क्या आ गया, y डिग्री प्लस 18 डिग्री बराबर 180 डिग्री, देखो यहां पर x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस 18 डिग्री आगे और क्या आएगा, अब ये वैसा और बैठे इसको भूल के, x के लिए तो y डिग्री प्लस 18 डिग्री प्लस आगे क्या है y डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब क्या देखो, y डिग्री प्लस y डिग्री कितने डिग्री हो गए, 2y डिग्री, 2y डिग्री बराबर 180 प्लस के 18 डिग्री उधर भेज दो तो क्या देगा बताओ, माइनस के 18 डिग्री, ठीक है। अब 180 में से क्या करना है 18 डिग्री, तो 2y बराबर कितना आया, 0 में से 8 में जाए तो 10 लेंगे, 10 में से 8 गया तो 2, फिर कितना बचा देखो, यहाँ पे 7, 7 में से क्या कितना आया 6 और 1, 162 डिग्री। अब अपने पास ये आ गया, y का मान निकालना, किसका मान देना है 2 का, तो अपने पास क्या आया y बराबर 162 बटा 2, ठीक है, कितना आया 2 एकम 2, 2 बटा 16, 2 एकम 2, ठीक है, अपने पास आ गया 2 बटा 16, 2 एकम 2, मतलब y बराबर कितना आ गया 81 डिग्री, y का मान कितना आया 81 डिग्री। अब y का मान कहाँ रखो, समीकरण नंबर 1 में, x का मान है y डिग्री का मान, y डिग्री, ठीक है, ये क्या है y डिग्री, y डिग्री का मान समीकरण एक में रखने पर, जैसे ही y डिग्री का मान समीकरण नंबर एक में रखें क्या आएगा बताओ, x डिग्री प्लस y डिग्री कितना आएगा बताओ 81 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो x डिग्री बराबर 180 डिग्री माइनस 81 डिग्री। अब 180 डिग्री में से 81 डिग्री गया तो 99 डिग्री, x डिग्री का मान कितना आ गया देखो 99 डिग्री, ठीक है, x डिग्री का मान कितना आया 99 डिग्री और y डिग्री का मान कितना आया 81 डिग्री। देखो यहाँ आप ओनली फॉर x और y के रूप में चलोगे तो भी सही है और ये भी सही है, डिग्री के रूप में लिखो तो और बढ़िया है, नहीं लिखो तो सही है, ठीक है, डिग्री रूप में लिखो और अच्छा लगेगा। तो बड़ा कोण कितना होगा बताओ 99 डिग्री और छोटा कोण 81 डिग्री होगा, बड़ा कोण 99 डिग्री
तथा छोटा कोण कितना होगा देखो 83 डिग्री होगा। बड़ा कोण आ गया, छोटा कोण आ गया और अपना क्वेश्चन भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। तो प्रश्नावली 3.2 है ना, 10th क्लास, कौन सी क्लास, 10th क्लास मैथमेटिक्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट पूरा हो चुका है। अब थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या है देखो, और कोई भी वीडियो आप देखने लगो ना तो पूरा देखना एंड तक, ऐसा ही नहीं पता देखा बीच में छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना, पूरा वीडियो देखना आपको, तभी जाकर समझ में आएगा। थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन है एक क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3,800 रुपए में खरीदी, ठीक है, इन्होंने खरीदी क्रिकेट के कोच ने खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले और 6 गेंदे, कितने गेंदे 6 गेंदे 1750 रुपए में खरीदी, 1750 रुपए में खरीदी, प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे कितने में खरीदी 3,800 रुपए में, और बाद में उसने 3 बल्ले और 6 गेंदे 1750 रुपए में खरीदी। तो आपको बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात करना, माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य बराबर कितना है एक्स रुपए, ये तो आपको मानना है, तथा एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य बराबर कितना बताऊं वाय रुपए, ठीक है, प्रश्नानुसार। अब जैसे प्रश्न बोल रहा है वैसे आपको चलना है, अपनी मर्जी से नहीं चलना है, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे चलना है। अब देखो बल्ले कितने 7, तो 7 को किससे भाग करेंगे x से, 7x प्लस गेंदे कितनी 6, तो 6 को किससे भाग करेंगे y से, फिर कितना आएगा 3,800 रुपए, ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्रिकेट खेलना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आ रहा है क्रिकेट खेलना पड़ेगा। तो 7x प्लस 6y बराबर कितना आएगा 3,800 रुपए, समीकरण नंबर कितना आएगा 1। अब हम चलते आगे, आगे बोल रहे 3 बल्ले और 6 गेंदे 1750 रुपए में, तो क्या आएगा देखो 3 को x से भाग करेंगे प्लस 6 को किससे भाग करेंगे y से, कितना आ जाएगा देखो 1750 रुपए, कितने भाई 6, और दोनों में देखो गेंदे गेंदे फिक्स है, एक में भी 6 गेंदे और दूसरे में भी कितने गेंदे 6, तो यहां पे थोड़ी सी प्रिंट मिस्टेक हुई है, बाद में 5 गेंदे, कितने गेंदे हैं 5 गेंदे, तो यहां पे कितना आ जाएगा मतलब 5 y, कितना y आ जाएगा 5 y। अब देखो ये समीकरण नंबर, अब क्या करेंगे समीकरण 1 से मान निकाल दो और 2 में रख दो, किसका मान निकालेंगे x का निकालो या y का, मान जो जो भी आपको अच्छा लगे वो निकाल दो, चलो x का निकाल देते हैं। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जैसे ही मैं x का मान निकालूंगा इसको उठा के फेंकूंगा इधर, तो क्या आएगा 7x बराबर 3,800 माइनस का 6y। अब x का मान निकालना है तो इसका जो यहाँ पे क्या है 7, 7 क्या देंगे भाग देंगे, x बराबर 3,800 माइनस 6y बटा 7,
अब x का मान आ गया, x का मान समीकरण नंबर दो में पड़ेगा, क्यों रखना पड़ेगा, तो x का मान कहां रखेंगे, समीकरण नंबर दो में, x का मान समीकरण दो में रखने पर, जब x का मान समीकरण नंबर दो में रखेंगे तो क्या आएगा, देखो तीन की जगह आएगा तीन, और x की जगह क्या आएगा 3800 माइनस 6y बटा कितना आ गया 7, ठीक है, प्लस 5y बराबर कितना आएगा 1750, कितना आ गया 1750। अब देखो तीन से ये 7 ही कट रहा है, नहीं कट रहा है, कोई टेंशन नहीं लेने वाला, लेना आपने को तीन को अंदर गुणा कर लो। अब तीन को 3800 से गुणा करना बहुत भारी भारी नहीं, बिल्कुल आसान। देखो तीन को पहले जीरो से मार देंगे, जीरो तीन को जीरो से मार के दो जीरो। अब तीन और 24 का 4 हंसोगी 2, 3 का 9 2 कितना होते हैं 11 बस। फिर माइनस तीन को किससे मार लेंगे 6y से, 6 18y बटा कितना आएगा 7 प्लस 5y बराबर 1750। यहां पर क्वेश्चन क्या मान लो 1। अब लघुत्तम लेना पड़ेगा, 7 और 1 का लघुत्तम लेंगे, अब 7 और 1 का लघुत्तम कितना आ गया 7, 7 का भाग 7 में एक बार, और 1 को इससे भाग देंगे कितना आएगा, ये की संख्या आएगी ना 11400 - 18y। अगले देखो प्लस 1 का भाग 7 में 7 बार, और 7 को 5 वाले से भाग 7 मुझे 35y बराबर 1750। अब क्या करना, देखो 1750 को इससे भाग करेंगे 7 से। अब देखो पहले गुणा करने से पहले देखो 11400 35y में से 18y गया तो कितना बचेगा प्लस का 17y, कितना भाई 17y। देखो 5 में 60 क्या 15 में 60 क्या 7 ये दो में से देता हूं 1। आगे देखो 1750 को 7 से भाग करूंगा, कैसे भाग करूंगा, 7 को 0 से भाग करते 0 सातों पंजे 35 का 5 असली 3 सातों सती 49 49 और 3 कितना होता है 52 52 का 2 असली 5 सात का 7 और 7 5 12। अब वाई का मान निकालना है, इसको उठा के दो उधर तो यहां पे बचेंगे 17y 17y बराबर 12250 माइनस 11400। अब देखो 12250 में से 11400 घटाएंगे तो 17y बराबर देखो 0 में से 0 गया तो 0, 5 में से 0 गया तो 5। अब देखो 2 में से 4 नहीं जाते उधार लेंगे तो 12 में से 4 गया कितना आएगा 8, फिर आगे 1 1 0, ठीक है। अब 17y बराबर आ गया 850। यहां पर क्वेश्चन पूरा हुआ नहीं है अभी तक, तो 17y का मान निकाला, अब हम x का मान भी निकालेंगे और y का मान भी निकालेंगे, इससे पहले फटाफट आपको ये उतार लेना। अब हम चल रहे नेक्स्ट, y का x का मान निकालना है तो ये चीज मिटा रहे, ठीक है। इतनी जगह काफी है, आराम से कर लेंगे। तो देखो y बराबर कितना आएगा 850 बटा हुआ कितना आएगा 17, 17 कम 17 17 पाँच 85 0 y बराबर कितना आ गया 50 रुपए, बोल का मूल्य आ गया 50 रुपए, ठीक है। अब y का मान किसमें रखेंगे, समीकरण नंबर 1 ये वाले समीकरण इसमें रखेंगे, ठीक है। तो किसका मान आ जाएगा x का, यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये वाले समीकरण नंबर 1 है, तो 7x प्लस 6 × 50 बराबर 3800, ठीक है, पास में आ गई। अब देखो इसको मिटा दो क्योंकि ये ऊपर गिरा मान। अब देखो 7x प्लस 6 × 30 300 बराबर 3800, उठा के उधर बैठो तो कितना है बताओ, 7x बराबर 3800 माइनस 300 तो कितना आएगा, देखो 7x बराबर 3800 में से 300 घटाओ, घटाना तो पड़ेगा, ठीक है, बड़े होकर 10वीं क्लास में आगे तो घटाना तो पड़ेगा ना, तो 3800 में से 300 गया तो 3500
आपस भाग भी देना पड़ेगा, बड़े हो गए हो छोटे नहीं हो। एक्स का मान निकालना सात का भाग, तो एक्स बराबर 3500 बटावा सात, सात एवं सात सातों में 3500, एक्स का मान कितना आ गया 500। ठीक है, बैट महंगा मिलता है 500 रुपए में, गेंद तो 50 रुपए में मिलती है। एक बल्ले का मूल्य कितना होगा 500 और एक गेंद का मूल्य कितना होगा 50। लेकिन एक बल्ले का मूल्य बराबर 500 रुपए तथा एक गेंद का मूल्य बराबर 50 रुपए, बैट और बॉल का मूल्य आ गया है। ठीक है, अपना क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। बैट का मूल्य आ गया, गेंद का मूल्य आ गया, अब हमारे कहाँ जाना है, क्रिकेट खेलने। ठीक है, क्रिकेट खेलने जाने से पहले ये प्रश्नावली पूरी पढ़नी, ऐसे नहीं यहाँ से भाग के वीडियो पूरा देखना है। ठीक है, ऐसा नहीं वीडियो पूरा दिखाई दिया और क्रिकेट खेलने चले गए, खेलने जाना है, क्रिकेट खेलना है लेकिन क्लास होने के बाद में। आगे नेक्स्ट, अब हमारे में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पोर्शन पूरे हो चुके हैं, समथिंग 5 या 6 पोर्शन है, अब चौथे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इस कारण मैं आपको लिखा नहीं रहा हूं, बोल के बता देता हूं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। एक तो फिक्स किराया, मतलब जैसे आप टैक्सी में बैठ गए वो किराया फिक्स लगेगा, चाहे आप आगे जाओ या मत जाओ, नियत भाड़ा तो फिक्स है, वो तो लगेगा। इसके अलावा प्रत्येक किलोमीटर आप एक्स्ट्रा चलोगे ना, उसके लिए एक्स्ट्रा भाड़ा आपको देना पड़ेगा, 2 किलोमीटर जाओ 2 किलोमीटर के लिए अलग से पैसे देने पड़ेंगे, फिक्स तो है वो तो देना ही है, प्लस 2 किलोमीटर के अलग से पैसे देने पड़ेंगे। आगे क्या बोला है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा है 105 रुपए, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है 105 रुपए। आगे और बढ़ रहा है, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है, 15 किलोमीटर के दूरी के लिए, भाड़ा कितना है आपको देता है 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा, नियत किलो भाड़ा और प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा क्या होगा, और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। आगे वो बोला, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, कितना भाड़ा देना पड़ेगा, ये बात की बात है। पहले तो इनसे नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा निकालना है। तो माना नियत भाड़ा कितना है, माना नियत भाड़ा बराबर X रुपए, टैक्सी में चढ़ते ही आपके लग जाएंगे। ठीक है, माना नियत भाड़ा क्या है X रुपए, तथा प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा, प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा है Y रुपए, कितने रुपए हैं Y रुपए। माना नियत भाड़ा तो X रुपए और प्रति किलोमीटर एक्स्ट्रा, मतलब 1 किलोमीटर जाएंगे उसके पैसे लगेंगे, 2 जाएंगे तो पैसे ये लगेंगे, ये तो फिक्स लगेंगे, लगे टैक्सी में बैठो तो लगेंगे। प्रश्नानुसार एक आदमी कितने किलोमीटर जा रहा है, 10 किलोमीटर, एक्स तो लगेगा, प्लस कितने वाई, 10 वाई बराबर 105, समीकरण नंबर 1। आगे बोला 15 किलोमीटर जा रहा है तो कितना है, एक्स तो लगेगा प्लस कितने वाई, 15 वाई बराबर 155, समीकरण नंबर। ठीक है, अब समीकरण नंबर 1 से मान निकालो, 2 में बटा दो। ठीक है, तो समीकरण 1 से एक से क्या आएगा, एक्स का मान निकालेंगे, इसको उठा के फेंकेंगे उधर, तो एक्स बराबर कितना आएगा, 105 माइनस 10 वाई। अब एक्स का मान क्या रखेंगे समीकरण नंबर 2 में, एक्स का मान समीकरण 2 में
रखने x का मान समीकरण नंबर दो में रखेंगे तो क्या आएगा देखो, जैसे ही x का मान समीकरण नंबर दो में रखेंगे तो क्या आएगा देखो, x की जगह 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। अब देखो 15y में से कितना y घटाना, 10y तो कितने बचेंगे 5y, तो कितना आएगा 105 प्लस 5y बराबर 155। अब मेरे को y का मान निकालना है तो 105 को उठाकर फेंकना पड़ेगा उधर, क्या कितना y 5y बराबर 155 माइनस 105। अब 155 में से 105 घटाया तो कितना बचा 50, तो 5y बराबर कितना आएगा 50, तो y का मान कितना निकलेगा 50 बटा 5, 5 5 5 एक 5 और 0, y बराबर कितना हो गया 10, प्रति किलोमीटर के लिए ₹10 लगेगा प्लस काका साहब ये और बैठे ये और लगेंगे आप, ठीक है तो इसका मान निकालना, तो y का मान कहां रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे ही y का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे क्या आएगा x प्लस 10 इंटू 10 बराबर 105, ठीक है 10 को 10 से वहां क्या 100, x प्लस 100 बराबर 105, x का मान निकालना है 105 माइनस 100, तो x का मान कितना आ गया 5 रुपए, कितने रुपए 5 रुपए, ये 5 रुपए उसके चाय पीने के जो आपसे एक्स्ट्रा ले रहा है गाड़ी में बैठने के लिए, ठीक है गाड़ी में बैठने के लिए कितने रुपए ले रहा है 5 रुपए, और 1 किलोमीटर जाएंगे तो 5 प्लस 10 15 रुपए लगेंगे, 2 जाएंगे तो 25 लगेंगे, समझ में आई, तो निहित भाड़ा कितना आया 5 रुपए और प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा कितना आया 10 रुपए, तो निहित भाड़ा कितना आ गया बताओ, निहित भाड़ा बराबर 5 रुपए तथा प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा कितना आया बताओ, कितना आया अपने पास 10 रुपए, निहित भाड़ा 5 रुपए और प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा कितना आया 10 रुपए। अब ये तो बात होगी नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा, अब आगे एक चीज और पूछिए आप, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, अब हम बताएं कि 25 किलोमीटर के लिए अपने को कितना भाड़ा देना पड़ेगा, ये तो कंप्लीट हो चुका है, अब 25 किलोमीटर के लिए x के लिए 5 रखेंगे और y के लिए कितना रखेंगे 10, अब क्या होगा देखो, पच्चीस किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा, 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा कितना होगा देखो, x प्लस 25y बराबर x के लिए कितना आएगा 5 प्लस 25 इंटू 10 कितना आएगा 5 प्लस 250 कितना आएगा 255 रुपए, तो 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे 255 रुपए, 5 रुपए चाय के, ठीक है इसके है चाय के, कहीं भी जाए ना तो 5 रुपए की चाय हो ही जाती है, तो आपको क्या करना है चाय पीना नहीं 5 रुपए बचाना, टैक्सी बैठ के जाएंगे फिर आप, ठीक है और मेरे आ रहे तो डॉलर चक्री है ना उसमें जुड़ने के लिए काम में आएंगे, ये क्वेश्चन पूरा हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पांच के बाद में छठा, छठा के बाद में ये अपने प्रश्नावली कंप्लीट, फिर 3.3 पढ़नी है विलोपन विधि, वो कल से शुरुआत करेंगे, आज के लिए क्या है 3.2 पूरी कर लेंगे, ठीक है अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आप होशियार हो गए आपके पास किताब है, यदि किसी बिंद के अंश और हर में दो जोड़ दिया जाए, अंश और हर में कितना जोड़ो दो, तो कितनी बढ़ेगी वह 9 बटा 11, यदि अंश और हर में 3 जोड़ो, 2 जोड़ो तो 9 बटा 11 और 3 जोड़ो कितना बन जाएगी 5 बटा 6, तो वह बिंद ज्ञात कीजिए,